Friends, this is my first very long trip to Hyderabad, which is around 600 kilometers. मैं यहाँ बैंगलोर से हैदराबाद जा रहा हूँ बाइक पे KTM ड्यूक 390. लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं कि रोड काफ़ी अच्छी है, बहुत स्मूथ है. देखते हैं अब क्या होता है आगे. रवाना हो रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन एक एडिशन हो गया है ट्रिप में. ऑल ऑफ ए सडन हेलमेट उतारी ही नहीं तो पता नहीं चलेगा, पर ये वही है जो थोड़ी देर पहले वीडियो में थी मेरे साथ. सो वी जस्ट क्रॉस द टोल रोड एंड वी आर ऑन टू हैदराबाद हाईवे. देयर हैज बीन अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग ऑन सच अ लॉन्ग राइड एंड देयर वॉज अ सरप्राइज जॉइन टू माई ट्रिप. यस, नन अदर देन माई वाइफ, माई स्वीट वाइफ. तो अभी यहाँ से हम जब आ रहे थे, हमने ऑब्जर्व किया, यू वुड नोटिस मैनी साइकिलिस्ट, साइकिल चलाने वाले जो कि 60 से 70 किलोमीटर वन में जाते हैं नंदी हिल की तरफ, वो भी दिखेंगे. दे हैव वेरी टोन्ड काफ मसल्स. यू वुड लव टू सी द फिटनेस एंड यू वुड नोटिस ऑल द काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बाइक ऑन दिस हाईवे, इंक्लूडिंग BMW, हार्ले डेविडसन, डुकाटीज. I mean, it's a very fun ride for those who love riding bikes. And yahan se humne bahut, we are very close to the airport. We saw many airplanes landing over there. We'll try to capture a glimpse of one if it allows. हमने लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है अपने घर से लेके यहाँ तक. ये वो रोड है जो नंदी हिल की तरफ जाती है. दिस इज द टर्न दैट वी हैव टू टेक फॉर नंदी हिल. इट इज अ वेरी फेमस डेस्टिनेशन इन बैंगलोर फॉर द वीकेंड बाइक ट्रिप्स एंड यू कैन सी So this is a very popular destination for the bikers. Nandi Hills, this is a left that we have to take. And har weekend pe yahan pe pura Bangalore se kai log bikes pe, cars pe sunrise dekhne ke liye aate hain. Maybe we'll catch a glimpse of the mountain, of the hill. As we move forward, we'll try to catch one for you. Thanks. अभी तक हमने 120 किलोमीटर की जर्नी कर ली है हमारे घर से स्टार्ट होके. की टेक अवेज फॉर दिस राइड, अभी तक यहाँ पे नंबर वन, बैंगलोर से यदि ट्रैफिक से बचना है तो जल्दी निकलिए. डू नॉट स्टार्ट बियॉन्ड से आई वुड से 7 AM. उसके बाद में नंदी हिल के रास्ते तक आपको बहुत सारे बाइकर्स मिलेंगे. It is very fun to interact with them, to chat with them. फिर लगभग 75 किलोमीटर तक बहुत सीनिक है, बहुत सारे पहाड़, बहुत सारे पेड़ पौधे, ये सब देखने मिलेंगे. It's very green out there. उसके बाद हाँ, थोड़ी रोड बोरिंग हो जाती है, लेकिन द रोड्स आर वेरी नाइस. वी क्रॉस द स्पीड ऑफ रफली 133 किलोमीटर पर आवर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, बट वी डिसाइडेड नॉट टू गो बियॉन्ड 90. आपका क्या कहना है अभी तक की आपकी राइड के बारे में? राइड वॉज वेरी ऑसम. सच
सारी रोड्स अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वेदर भी अच्छा हूँ। हाँ ये भी बहुत अच्छे है, वेदर भी ऐसे अच्छा है कि ना ज्यादा हॉट है ना ज्यादा कोल्ड है। सो हम 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के दिन हमने अपनी राइड स्टार्ट करी है। जनवरी महीने में इतनी ज्यादा धूप कड़क नहीं पड़ेगी, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, इसलिए हमें अभी तक उतनी तकलीफ नहीं हुई है। अभी 10:15 हुई है, हम लोग को करीब 2.5 घंटे हो गए हैं। हम काफी ब्रेक ले लेके जा रहे हैं जस्ट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, द नेचुरल ब्यूटी दैट वी कम अक्रॉस द रोड। वी होप दैट वी रीच विथ आवर बैग्स नॉट हर्टिंग टू मच। इट्स स्टिल 450 किलोमीटर्स टू आवर डेस्टिनेशन फ्रॉम हियर। ओके, सी यू सून, बाय। हियर वी कंप्लीट 200 किलोमीटर्स ऑन रोड एंड इट्स 15 मिनट्स टू 12. This is our first stop for having some food. We are feeling a bit hungry now. One thing that we realized on the road that people are very nice. When we stopped, कुछ ढाबे वगैरह के आस पास में रुके, लोग बात कर रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत डिसेंट लग रहे थे. We talked to some of peasants, किसानों से बात करी. People are very nice, they are very humble and very much different from the city culture. That's what we explore when we go on road, right? And here we are in this very small dhaba. Now we have come 325 kilometers from our home. हमें अब सिर्फ 250 किलोमीटर तय करना है हैदराबाद सिटी टच करने के लिए. एक चीज जो हमने नोटिस करी, पहाड़ तो हमें हैदराबाद में भी दिखे, हैदराबाद के रास्ते में भी दिखेंगे, बेंगलोर में भी दिखेंगे. फर्क ये है कि बैंगलोर के जो हिल्स हैं दोज आर मोर ग्रीनर, वहाँ ज़्यादा हरियाली है. यहाँ के पहाड़ बहुत ड्राई लगते हैं, बट कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर्स. सो दैट्स इट. सो आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स वी आर अगेन चार्ज्ड अप टू रिज्यूम आवर जर्नी. वी आर इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी विच इज सपोज टू बी नॉट सो हॉट, बट ट्रस्ट मी दिस इज really hot. This is really hot. So I'm just wondering if somebody was to take this ride in the month of March or April, what would happen. So best yahi hai ki thande dino mein jab ye trip kar rahi hai to thande dino mein kare, but ha it is fun. The roads are really nice, they live up to the expectations that we have heard about them. And 140 kilometers away from our destination. It has been a very nice ride. अभी जब धूप खत्म हो गई है उसके बाद में बहुत अच्छा लग रहा है. And I just wonder, we have traveled how much? 450 kilometers. But the roads are absolutely good. Not even a kilometer I can say is a bad road. Once we enter that highway, right? Yes, correct. After Hebal, it's all very good roads, very enjoying. But yes, we realize that this long journey does cause pain, but I think it's more because of our habits, which we do not have, obviously. ये कुछ विचित्र प्रकार की मुर्गियाँ, उनके बच्चे, इतनी बड़ी मुर्गी. हम इसे चीनी मुर्गी का नाम से बुलाते थे जब हम कोनगर में रहते थे कलकत्ता में. कभी कभी ये काटती भी है, सो बीवेयर. अब इन मुर्गियों का कीमा बनेगा या और मुर्गियाँ देंगी, भगवान जाने. What's better than having tea with all the biker friends? Hi, so where are you all headed to? We are headed back actually into the city. Okay, nice, good. And what's your name, sir? My name is Rakesh. Rakesh, hi. So we have all these beautiful bikes lined up here, and the tea goes very well with this. Just look at these bees, ninjas.
Hayabusa. Amazing. Harley Davidson.